मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगो के डर जाए, बाहर निकल के मर जाए। दोस्तों बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट अब्दुल रोजी को तो आप लोग जानते होंगे, जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चित हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अब्दुल रोजी की उम्र 19 वर्ष है। ये एक बीमारी से जूझ रहे हैं जिस कारण इनकी ग्रोथ रुक रही है और इनकी हाइट नहीं बढ़ रही। दोस्तों अब्दुल रोजी सोशल मीडिया पर अपने हिंदू गाने से बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे और लोगों ने इनका खूब मजाक भी उड़ाया था कि ये कितना छोटा सा है और 18 साल का है। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है आम लोगों के मुकाबले और इन्होंने बिग बॉस में भी काफ़ी अच्छी फैन फॉलोइंग की और अब्दुल रोजिक ने इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में अपना नाम बना लिया है। ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको सारे डिटेल बताने वाले हैं कि अब्दुल कौन है और कहाँ का रहने वाला है और इनके गर्लफ्रेंड कौन है। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आप लोग अब्दुल रोजिक के फैन हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना। बहुत मस्त है, बहुत मस्त है, वी आर इन अमेरिका, बहुत मस्त है। दोस्तों अब्दुल रोजिक एक सिंगर, रैपर और एक इंस्टाग्राम स्टार है। दोस्तों अब्दुल रोजिक ने वो सब कर दिखाया जो कोई इंसान नहीं कर सकता। इन्होंने इतनी छोटी सी हाइट के होते हुए भी इतना बड़ा मुकाम हासिल किया कि आज बिग बॉस 16 के हाउस में भी हैं और इन्होंने वहां पर भी सभी को खूब बसाया। इनको सिंगिंग करना बहुत अच्छा लगता है और इनके सिंगिंग को सुनकर वहां लोग बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते थे। दोस्तों बात करें अब्दुल रोजी की पर्सनल लाइफ के बारे में, तो इनका जन्म 3 सितंबर 2003 को कजाकिस्तान में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। दोस्तों जब ये 4 साल के थे तब इन्हें एक भयंकर बीमारी हो गई जिस कारण इसकी बोन्स नहीं बढ़ पाई और इनकी हाइट उतनी ही रह गई। दोस्तों इनकी हाइट 3 फीट 2 इंच है और इनका वेट 22 किलोग्राम है। अब्दुल रोजिक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। दोस्तों अब्दुल रोजिक को बचपन से ही सॉन्ग सुनने का बहुत ज़्यादा शौक था। ये बचपन से ही गाना सुना करते थे और उस गाने को सुनकर उसकी कॉपी किया करते थे। तब से ही इनका शौक बहुत ज़्यादा हो गया था और ये सिंगिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। दोस्तों अब्दुल रोजिक ने जब बाजार में जाया करते थे तब ये सॉन्ग बाजार में गाया करते, तब लोग इनकी खूब तारीफें करते थे और तब से ही इनकी सफलता का रास्ता दिख गया और किसी ने इनका सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया और वो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हुआ। ये सिंगिंग में ही अपना करियर बनाना चाहते थे लेकिन इनकी मेहनत रंग ही ला गई। साल 2019 में ओए दिली जोर सॉन्ग गाने का मौका मिला जो कि एक कजाकिस्तानी सॉन्ग है और वो गाना सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। कजाकिस्तान में इनके गाने को खूब पसंद किया गया और ये कजाकिस्तान में वायरल हो गए। इन्हें एक एक्टर के रूप में जाने जाने लगा। दोस्तों इनका यूट्यूब पर भी चैनल है अपलोड मीडिया के नाम से, जिस पर ये अब सिंगिंग किया करते थे, ये गाना गाकर यूट्यूब पर अपलोड करते थे। दोस्तों अब अब्दुल रोजिक दुबई में रहते हैं। दोस्तों बात करें कि अब्दुल रोजिक इंडिया में कैसे फेमस हुए। इन्होंने इंडिया में एक सॉन्ग गाया था और उस गाने को इंडिया में लोगों द्वारा खूब पसंद किया गया और इस हिंदी सॉन्ग से ही भारतीयों का दिल जीत लिया। लोग इनसे खूब ज़्यादा इम्प्रेस हुए और दोस्तों इंडिया के सेलिब्रिटीज आईफा में अवार्ड लेने के लिए पहुंचे थे, वहां पर मौजूद अब्दुल रोजिक भी गए थे। वहां पर सलमान खान से मिलने के बाद इन्होंने एक सॉन्ग गाया जिससे सलमान खान भी इनसे इम्प्रेस हो गए और बिग बॉस के घर में इन्हें एंट्री दे दी। दोस्तों इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि इनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, इनके घर बारिश में टपकते थे और स्कूल में भी इनकी पढ़ाई के साथ साथ लोग इनका बहुत ज़्यादा मजाक बनाते थे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको अब्दुल रोजिक की बायोग्राफी, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप अब्दुल रोजिक के फ़ैन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती रहे।